हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहन। आज मैं अक्टूबर 2023 में रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म डार्क हार्वेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा। बात करें फिल्म की आईएमडी रेटिंग की तो वो है 5.5 आउट ऑफ 10, जो अभी फ्लक्चुएट हो रही है। वहीं रोटेन टोमेटोज पे फिल्म 68% फ्रेश है। चलिए अब पढ़ते हैं हम मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक मोनोलॉग को सुनाते हुए, जिसमें हमें बताया जाता है कि हर साल हेलोवीन की रात एक कॉर्नफील्ड से एक मॉन्स्टर सासुर निकलेगा, जो आधी रात से पहले चर्च में जाने की कोशिश करेगा और उस वक्त किसी न किसी को उसे मारना होगा वरना पूरे टाउन को खत्म कर देगा। अगले ही सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको देख के लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है और बहुत डरा हुआ भी है। इतने में ही हम उसके पीछे एक मॉन्स्टर फिगर को देख पाते हैं और अगले ही पल हमें उस लड़की की चलती हुई लाश दिखती है। उसी सीन में हम जिम शेफर्ड नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो खुद भी उसी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था। उस मॉन्स्टर के मिलते ही उसे वो बहुत ब्रूटली मार डालता है और वहां मौजूद सभी लोग उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर से कैंडीज निकालकर खाना शुरू कर देते, जो दिखने में बहुत ही क्रीपी था। अगले सीन में हमें पता लगता है कि ये किसी तरीके का कॉम्पिटिशन है जिसमें जो उस मॉन्स्टर को मारेगा उसे और उसकी फैमिली को बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस विनर को एक ब्रांडेड कार दी जाएगी, जिसे लेकर वो टाउन से बाहर जाकर अपनी नई लाइफ को स्टाइल कर सकता है। जिमी भी वैसा ही करता है और अपने पीछे छोड़ जाता है अपनी फैमिली को, जो अब से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे। अब एक साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब हेलोवीन शुरू होने में बस 5 ही दिन बचे थे और हमारी मुलाकात होती है जिम के छोटे भाई रिची से, जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नजर एक एली नाम की लड़की पर पड़ती है और दोनों को ही देख के हम ये व्यूवर्स समझ पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। हेलोवीन के साथ साथ वो कॉम्पिटिशन भी आने वाला था, जिसे किसी को उस मॉन्स्टर को मारना था, जिसके लिए टाउन का शेरिफ सभी हाई स्कूल स्टूडेंट को तैयार करने के लिए आया हुआ था। वही हमें पता लगता है कि इन यंगस्टर्स को 3 दिन तक रूम में बंद करके बिना खाने के रखा जाता है और हेलोवीन की रात टाउन की सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, और ये काम और कोई नहीं, खुद उनके पेरेंट्स ही करते हैं। यही सब चल रहा था तभी वहीं बैठा हुआ एक लड़का ऋषि को बोलता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस गेम का ये रूल है कि लड़कियां या किसी भी विनर की फैमिली का कोई भी मेंबर इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों हाथों हाथ तपाई पर उतर आते हैं और शेरिफ रिची को वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन वो लड़का रिची का पीछा उसके बाद भी करता रहता है और उससे बचने के लिए रिची एक सिनेमा हॉल के अंदर घुस जाता है। वहां जाकर उसको पता लगता है कि वहां की रिसेप्शनिस्ट और कोई नहीं वही लड़की है जिसे उसने उस दिन सुबह देखा था। रिची उससे कुछ बातें करता है और उससे प्रॉम डांस के बारे में भी पूछता है। तब वो लड़की उसे बताती है कि उसे प्रॉम डांस पे इनवाइट ही नहीं किया गया है। हम व्यूवर्स ही समझ पाते हैं कि इससे ये वो समय चल रहा है जब नीग्रोस को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। रिची वहां से बोल के जाने लगता है कि जब वो विनर बनेगा तब वो भी इन्वाइटेड होगी। अगले सीन में रिची और उसके दोस्त एक ग्रॉसरी स्टोर में दिखाए जाते हैं, जिसका ओनर रिची से उसके भाई जिम के बारे में पूछता है तो वो कैजुअल जवाब देकर वहां से निकल जाता है। तभी रिची का एक दोस्त उन्हें टाउन में लगे कर्फ्यू के बारे में बताता है, जिस पर रिची ज्यादा ध्यान नहीं देता। हमें रिची की फैमिली दिखाई जाती है। हम व्यूवर्स उसको देख के ये गैस कर पाते हैं कि रिची की उसके पेरेंट्स के साथ कुछ खास नहीं बनती।
रिचि को ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे उसके भाई के साथ कंपेयर करते हैं और उसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रिचि अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, जिसको सुनकर उसकी मॉम तो उसे सीधे मना करती है। अब होना क्या था, रिचि तो बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी हम एक फाओ को देखते हैं जो किसी मॉन्स्टर फिगर के सर पर पंपकिन फेस मास्क लगा रहा होता है और उसके पेट में कैंडीज को भर रहा होता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब तो हमें आगे ही मिलेगा। अगले दिन जब रिचि घर वापस आ रहा था, वही लड़के उसको पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं और उसकी बेल्ट को रख लेते हैं। अभी बेल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका कनेक्शन आपको आगे पता चलेगा, तो इसको ध्यान में बनाए रखें। जब रिचि घर वापस आता है तो उसे जिम का लेटर मिलता है, जिसमें वो भी रिचि को कॉम्पिटिशन से दूर रहने के लिए कहता है। रिचि काफी आउटरेस्ट हो जाता है और एक कार लेकर टाउन से बाहर जाने लगता है, लेकिन शेरिफ उसे रोक लेते हैं और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं, क्योंकि इस टाउन से बाहर जाना किसी को अलाउड नहीं है। अब हेलोवीन की वो रात आ जाती है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सभी यंगस्टर्स को पागलों की तरह सड़क पर छोड़ दिया जाता है और वो सभी सौसूत को ढूंढना शुरू कर देते हैं और शुरू होता है मौत का खेल। अब रिचि को उसके घर पर होश आता है और उसके डैड उसको बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश है। अब रिचि को याद आता है कि आज तो हेलोवीन का दिन है और रिचि सौसूत को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे हमें उसके पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि जब उन्होंने अपने बड़े बेटे जिम को नहीं रोका तो वो रिचि को क्यों रोकना चाहते हैं। रिचि अपने दोस्तों के साथ मिलकर सौसूत को ढूंढना शुरू करता है और सौसूत उसकी गाड़ी के सामने अचानक से आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी को लगने लगता है कि उन्होंने सौसूत को मार दिया और वो सभी खुशी मनाने लगते हैं। उनकी खुशी अगले ही पल खत्म हो जाती है जब सौसूत रिचि के सभी दोस्तों को एक एक करके बहुत ही ब्रूटली मारना शुरू करता है। अब जिन लोगों को स्लैशर फिल्म पसंद है, उनके लिए ये सीन तो एक ट्रीट है, क्योंकि जिस तरीके से इस फिफ्थ सीन को और सौसूत को शूट किया गया है, वो सच में ही रोंगटे खड़े करने वाला है। सौसूत रिचि को भी मार ही देता, लेकिन वो सही समय पर भाग जाता है और फील्ड में उसकी मुलाकात एनी से होती है। एनी को भी इस टाउन से निकलना था, इसीलिए वो भी वहां थी। रिचि एनी को बताता है कि उनके पास जो हथियार है, उससे वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। उन्होंने एक गन की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम रिचि खुद ही कर लेता है। रिचि एनी के साथ शेरिफ के घर से एक गन उठा लेता है। तभी रिचि को उसके डैड शेरिफ से कुछ बात करते हुए दिखते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों शेरिफ की कार लेकर भाग जाते हैं। अब तक सभी लोग फूक के मारे पागल हो गए थे और एक दूसरे को खाने के लिए मारना शुरू कर दिया था। टाउन की सभी सड़कें खून से लथपथ हो चुकी थी। कुछ लोग तो अब वापस भी जाना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स इतने ग्रीडी थे कि उन्हें बस प्राइज मनी की पड़ी थी, फिर चाहे उनके बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाए। वही गार्ड में लगी कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से शेरिफ भी रिचि और एनी को सौसूत की लोकेशन बताने लगता है, क्योंकि वो तो बस मॉन्स्टर को मरवाना चाहता था, उसे रिचि और एनी की हेल्प करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब रिचि और एनी का सामना सौसूत से होता है, तो रिचि उसके पास वही बेल्ट नोटिस करता है, जैसी बेल्ट सेम उसके और उसके भाई के पास थी। तो क्या इसका मतलब ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, उसका भाई जिम है? रिचि और एनी वहां से किसी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन बीच में उनका सामना शेरिफ से होता है
और हाथापाई में एनी की कान के पास से एक गोली छूकर निकल जाती है जिससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। रिची एनी को लेकर सीधे अपने घर पर आता है, लेकिन उसकी मॉम को देखकर लग रहा था कि उनका तो मेंटल ब्रेकडाउन ही हो चुका है। तब रिची अपनी मॉम को जिम के बारे में पूछता है तो कुछ भी क्लियरली ना बताती और एट लास्ट रिची को ये बता देती है कि जिम और कोई नहीं वही सॉसूट मॉन्स्टर है और जिम के नाम से जो लेटर्स आ रहे थे वो और किसी ने नहीं उन्होंने ही लिखे थे। अब वो इसके लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो फैसला करता है कि वो अपनी भाई को किसी ना किसी तरह चर्च के अंदर तक लेके जाएगा और उसकी जान बचाएगा। अब रिची और एनी सभी को डिस्ट्रैक्ट करने में चर्च के गेट से हटा देते हैं। अंदर जाने पर रिची को उसकी डैड मिलते हैं और वो भी उन्हें कंफर्म करता है। तो वो उसे बताते हैं कि उन्हें भी ये बात जिम के बिना बनने के कुछ ही दिन बाद पता चली थी और अगर वो उस मॉन्स्टर को यानी जिम को मार देते हैं तो कोई भी विनर नहीं बनेगा और ये कर्ज यही डूब जाएगा। इसका मतलब हर साल ये मॉन्स्टर और कोई नहीं लास्ट ईयर के विनर्स ही होते हैं। ये बातें चली रही थी कि तभी रिची को सॉसूट के आने की आहट होती है और वो उसे चर्च के अंदर लाने लगता है। तभी पीछे वही बुली लड़का सॉसूट को गोली मार देता है और खुश होने लगता है कि इस साल का विनर तो अब वही होगा। सॉसूट रिची की तरफ देखता है और उसकी गोली उसके सर पर मारने के लिए कहता है और कुछ ही देर में हम रिची की गोली से चलने की आवाज आती है। हमें पता चलता है कि सॉसूट की मौत हो चुकी है। इसका मतलब अब रिची ही अगला विनर है। अब हम रिची को प्रॉम नाइट पर देखते हैं जिसमें टाउन के मेयर रिची को विनर अनाउंस करते हैं और एक ब्रांडेड कार देते हैं। अब प्रॉम डांस शुरू होता है और रिची एनी के साथ डांस करना शुरू करता है और उसे कुछ देर में अपना सामान लेकर क्रॉसिंग पर आने के लिए कहता है और वहां से भाग चलने के लिए कहता है। एनी भी रिची को किस करके वहां से चली जाती है और रिची भी अपनी कार लेकर निकल पड़ता है और रास्ते में एनी को भी साथ ले लेता है। कुछ ही देर बाद इनका पीछा शहर के शेरिफ करने लगते हैं और वो एनी को सीट के नीचे छुपा देता है और उससे कहता है कि अगर वो 10 मिनट के अंदर वापस ना आए तो वो इस टाउन को छोड़कर भाग जाए। टाउन के शेरिफ रिची को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहते हैं और उसे कॉर्नफील्ड के अंदर ले जाने लगते हैं। उनकी ध्यान हटता ही है कि रिची उन्हें गोली मार देता है और उनकी भी वही मौत हो जाती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि रिची के पीछे से वही फार्मर उसके सर पर वार करता है और रिची वहीं पर गिर पड़ता है। वो फार्मर रिची को दफना देता है मिट्टी के नीचे और रिची की भी वही मौत हो जाती है। कुछ ही दूरी से एनी वहां रोते हुए कार में बैठी हुई थी और अब रिची के फादर वहां आते हैं और उसको भाग जाने के लिए कहते हैं। रिची के डैड उसे जमीन के नीचे से निकालते हैं लेकिन वो फार्मर उन्हें भी मार देता है, यानी वो फार्मर किसी को नहीं छोड़ा। रिची की डेड बॉडी के ऊपर वो फार्मर अब पंपकिन फेस लगाकर स्क्वायर क्रू स्टैंड पर टांग देता है जैसे हमने उसे जिम की डेड बॉडी के साथ करते हुए देखा था। तो क्या अब रिची ही अगले साल हेलोवीन पर वो मॉन्स्टर बनेगा? गॉड नोस। फिल्म यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म की नरेशन काफी कॉम्प्लेक्स है तो ये भी नहीं बताया जाता कि डेड बॉडी मॉन्स्टर में कैसे बदल जाती है। अब मैं आपको अपनी थ्योरी की बात बताता हूँ जो कि है ये 1960 का समय चल रहा है और ये छोटा सा टाउन जहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। यहाँ की हेड फैमिली का मानना है कि ये टाउन कर्स्ड है
और इसे बचाने के लिए हर साल किसी को एक मॉन्स्टर को जो 12 बजे से पहले मारना होगा, जो कि इस टाउन का कर्स है, वरना ये टाउन खत्म हो जाएगा। और विनर को मारकर उन्हीं कई दिन तक स्क्वायर के ऊपर स्टैंड पर टांग के रखना होगा, ताकि अगले हेलोवीन पर वो विनर भी मॉन्स्टर में बन सके और फिर उसे कोई और मार सके और विनर बन जाए। ये चेन ऐसे ही आगे चलती रहे और उनका टाउन खत्म होने से बचा रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी और फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।